हे दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि आपके स्किन पर जो गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से चमक गायब हो गई है, उस चमक को वापस लेकर आएगी। स्किन हेल्दी भी रहेगी, शाइनी भी रहेगी, चाहे कितना भी पसीना आ रहा हो। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये रेमेडी उन लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो हर वक्त किचन में खड़ी रहती हैं, गर्मी में काम करती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे दोनों चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक स्प्रे बोतल। स्प्रे बोतल ले सकते हैं। अगर स्प्रे बोतल आपके पास नहीं है तो आप किसी कंटेनर में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपको डेली बनाना है, डेली यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इस स्प्रे बोतल में आधी स्प्रे बोतल हम पानी से भर लेंगे। मैं पानी यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि इजी ऑप्शन है, क्योंकि बहुत लोग इसके बाद जब मैं रोज़ वाटर बताती हूँ तो बहुत लोग आप पूछते हो कि रोज़ वाटर सूट नहीं करता है, इसकी जगह बताइए दी हम क्या यूज़ करें। तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आप रोज़ वाटर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। तो जो सेकंड चीज़ है, मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्किन को हेल्दी बनाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो मैं करीब 1 टीस्पून के करीब इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लूँगी। आप नेचुरल भी ले सकते हैं। जो थर्ड चीज़ है, हमें लेना है ऑयल। या तो आप कोकोनट ऑयल लेंगे या तो फिर आप ये लेंगे बेबी ऑयल। तो मेरे पास ये दो हैं तो मैं यहाँ पर बेबी ऑयल यूज़ करूँगी। कोकोनट ऑयल भी बेस्ट है, अगर आपके पास वो है तो वो यूज़ कर सकते हो। तो बेबी ऑयल भी स्किन को नरिश बनाता है, मॉइस्चराइज करता है और स्किन पर एक शाइन लेकर आता है। तो गर्मी में आप इसको जब कई बार दिन में 4 से 5 बार लगाएंगे और फिर कितना भी पसीना आ जाए, चेहरे को बार बार भी पोछेंगे ना, तो जो चमक होगी वो चमक रहेगी आपके चेहरे पर, क्योंकि स्किन डीपली मॉइस्चराइज कर देता है। ये जो सीरम है, सीरम टाइप एक बन जाता है। आपको बहुत अच्छे से शेक कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और इवनली मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये आपका सीरम रेडी है। अब इसको आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार अपने फेस पर लगाएंगे। जब भी आपको लगेगी अभी फेस पर लगाने की ज़रूरत हो रही है कुछ, तो आप इसे लगाएंगे। इससे स्किन पर चमक बनी रहेगी। ऐसे 2-3 स्प्रे कीजिए और इसे हल्का सा रब करके ये फौरन ही अब्सॉर्ब हो जाता है। स्किन पर स्टिकीनेस भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगता और स्किन पर एक चमक रहती है। साथ ही स्किन को हेल्दी बनाता है, जो डैमेज होता जाता है गर्मी की वजह से, बार बार रगड़ने की, पोंछने की वजह से, तो वो भी आपका ये उसको ठीक कर देता है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये रेमेडी ज़रूर बनाइए, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको बना कर रखिए, सुबह ही बना लीजिए, शाम तक इसको यूज़ करते रहिए। इससे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ जाएगा। और हाँ, मेरी और भी वीडियोस को चेक करने के लिए मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ पर जाकर मेरी सारी वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और सेकंड चैनल को भी। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।